क्या आपको पता है कि जिस तरह तोशाखाना केस ट्रायल जो है जल्दी चलाया गया, पहले दिन, फिर घंटे और फिर मिनट्स के अंदर वो फैसला आया, इसी तरह इस ट्रायल को भी चलाया जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि एक तरफ चलान जमा होता है, कॉपियां जो हैं वो तकसीम की जाती हैं, फिर साथ ही फर्दे जुर्म के लिए डेट फिक्स की जाती है। और आज फिर वही हुआ कि फर्दे जुर्म जो है लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो बेल थी, जो जमानत थी इस केस के अंदर, वो अभी स्टिल जो है फैसला महफूज है। जो क्वेशमेंट की दरखास्त थी वो स्टिल फैसला महफूज है। इस ट्रायल को रोकने के हवाले से जो दरखास्त थी वो फैसला महफूज है। तो पहले नीचे केस की समाअत नहीं की जाती, यानी कि ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत की दरखास्त के ऊपर के जज साहब छुट्टी पर हैं और ड्यूटी जज साहब भी अवेलेबल नहीं होते, और फिर ऊपर यही प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। ये है इंसाफ का निजाम हमारा कि एक तरफ इश्तियारी मुजरिम जो अदालत से मेडिकल की बुनियाद के ऊपर बाहर गया और वापस नहीं आया, और चार साल बाद वो वापस आ रहा है और बाहर बैठे हुए उसे जमानत 420 सेकंड के अंदर दे दी जाती है, और दूसरी तरफ एक बेगुनाह बेकसूर हमारी कौम का हीरो जिसको अंदर जो है डाल दिया गया है और उसकी जमानत के ऊपर, उसकी क्वेश्चनमेंट के ऊपर फैसला जो है वो दिया नहीं जा रहा, और ट्रायल को जल्दी से जल्दी कंक्लूड करके सजा की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि आज जो है फर्दे जुर्म लगाने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे ही फैसला जो है वो हाथ में लिख कर दे दिया जाता कि ये आपको सजा है, क्योंकि जो फेयर ट्रायल है वो तो हो नहीं रहा, ड्यू प्रोसेस आईने पाकिस्तान कहता है लेकिन नहीं हो रहा। ये इस तरह से सीक्रेट तरीके से कार्रवाई जेल के अंदर चलाई जा रही है जिसमें न कभी गिरफ्तारी का हमें पता चला, न कभी रिमांड का पता चला, और इसी तरह से एक बंद कमरे के अंदर छुपाकर, कौम से छुपाकर, मीडिया वालों की एक्सेस नहीं है, लॉयर्स की प्रॉपर एक्सेस नहीं है, तो छुपाकर ट्रायल किया जा रहा है। हम इसलिए कहते थे कि ये ओपन हो ताकि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों और साफ शफाफ, ये कैसे फेयर ट्रायल कहा जा सकता है जब इस तरह से कार्रवाई की जाएगी, और जो हक है कानून जो देता है हक, वो हमारा हक सलब किया जाएगा, तो फिर कैसी उम्मीद इस निजाम से, इन अदालतों से जो है हम कर सकते हैं। तो ये आज की प्रोसीडिंग है जी। थैंक यू।